नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आप सामने नहीं हैं। फिर भी यह व्याकरण का सिलसिला जारी है। पिछले पाठ में हमने देखा वर्तमान काल और आज देखेंगे भूतकाल। क्रिया के काल में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल मुख्यतः तीन प्रकार है और वर्तमान काल के तीनों उप प्रकार जैसे हमने देखे वैसे भूतकाल के भी तीन उप प्रकार है। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिया बोलने या लिखने के पहले समाप्त हो चुकी है। क्रिया घटित होकर कुछ समय बीत गया है, उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। अक्सर हम देखते हैं कि भूतकाल मतलब जो बीता हुआ काल है उसे कहते हैं भूतकाल, अतीत वह है भूतकाल। जैसे कि पौराणिक कथाएं भूतकाल में होती है, एक राजा था वो पराक्रमी था या सत्ता संघर्ष चल रहा था, ये सभी क्या है, भूतकाल है। बीते हुए समय में क्रिया बीती हुई होती है। वैसे सामान्य भूतकाल देखिए, सामने से एक कार आई, मानो चुपचाप अधूरी चीज को देखती रही। लोगों ने भोजन किया, काकी निराश हो गई। तो इससे पता चलता है कि ये क्रियाएं घटित तो होकर कुछ समय बीत गया है। सामान्य रूप से क्रिया होती थी और कुछ समय बीत गया, बोलने या लिखने से पहले ये क्रिया हो चुकी है, तो इसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। अब यही क्रियाएं हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल में कैसी होती है। अपूर्ण भूतकाल में क्रियाएं पूरी नहीं होती, मतलब भूतकाल में भी क्रियाएं चल रही थी, आप पता नहीं पूरी हुई या नहीं। लेकिन जब हम इस क्रिया के बारे में सोचते हैं तो उस समय ये क्रियाएं चल रही थी, क्रिया का व्यापार चल रहा था। उदाहरण से देखिए, सामने से कार आ रही थी, मतलब कार आने की क्रिया चल रही थी, मानो चुपचाप अधूरी चीज को देख रही थी, देखने की क्रिया भी उस समय चल रही थी। लोग भोजन कर रहे थे, काकी निराश हो रही थी। हर क्रिया में क्या है, रहा, रही, रहे, था, थी, थे आएगा, मतलब भूतकाल में भी ये क्रियाएं पूरी नहीं हुई थी, चल रही थी। जैसे वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में यह बोध होता है कि क्रिया अब चल रही है, पूरी नहीं हुई है, वैसे अपूर्ण भूतकाल में क्रियाएं चल रही थी, उस समय पूरी नहीं हुई थी, क्रिया का व्यापार जारी था, इसलिए इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। मतलब जो पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण है, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल में यह बोध होता है, क्रियाओं को देखकर यह समझ में आता है कि क्रिया घटित होकर काफी समय बीत गया। कितना, एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल, या हो सकता है 20 साल हो गए, वो भूतकाल में क्रिया हो गई, बीते हुए समय में वो क्रियाएं बीत गई, उस समय वो पूरी हुई थी। यही उदाहरण, सामने से एक कार आई थी, मानो ने चुपचाप अधूरी चीज को देखा था, लोगों ने भोजन किया था, काकी निराश हो गई थी, मतलब इन सभी क्रियाओं में क्रिया का व्यापार पूर्ण हो चुका है, क्रिया घटित तो होकर काफी समय बीत चुका है, इसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में सामने से एक कार आई
धारणा पूर्ण भूतकाल में सामने से एक कार आ रही थी और पूर्ण भूतकाल में सामने से एक कार आई थी। आई पूर्ण भूतकाल में आई थी, मानो चुपचाप अधूरी चीज को देख रही थी, देखती रही, मानो ने चुपचाप अधूरी चीज को देखा था। लोगों ने भोजन किया, लोगों ने भोजन किया था। काकी निराश हो गई, काकी निराश हो गई थी। इस प्रकार सामान्य भूतकाल में क्रिया बोलने या लिखने से पहले समाप्त हो गई, समय बीत गया। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया चल रही थी, क्रिया पूरी नहीं हुई थी और पूर्ण भूतकाल में क्रिया घटित होकर काफी समय बीत गया, ऐसा बोध होता है। और इन तीनों उप प्रकारों से यह पता चलता है कि क्रियाएं बीते हुए समय में घटित हो चुकी है, इसे कहते हैं भूतकाल। धन्यवाद।